नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त हरजीत सिंह चौहान। आज हम फिर से एक नई वैकेंसी देखने जा रहे हैं। देखते हैं इसके अंदर क्या है। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। और बड़ी अच्छी वैकेंसी है, और ये वैकेंसी इसका नाम है इंडियन नेवी। सेलर पोस्ट है, सेलर की पोस्ट है। देखते हैं इस वैकेंसी में आपके लिए क्या हो सकता है, क्या आप भी इंडियन नेवी में जा सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ पूरे इस वीडियो में, ताकि आप सारी डिटेल जान सके, एक एक फॉर्म आपकी, एक एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन से लेके फॉर्म को भेजने तक की डिटेल इसमें आपको मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। ये इंडियन नेवी सेलर की वैकेंसी, और इसके अंदर आप इंडियन नेवी में अगर ज्वाइन कर ले तो ये बड़े ही शौर्य की नौकरी है। आप ध्यान रखेंगे, इंडियन नेवी एक बड़े अच्छे ओहदे वाली नौकरी होती है, जिसमें आपको मजा आ जाने वाला। पूरी लाइफ आपकी एडवेंचर से भरी हुई रहती है। इंडियन नेवी का देखिए, ये कमांडर को आपको मतलब इस आपको इस ड्रेसअप में ही पहनते एकदम उसका अनुभव होगा कि आप क्या लग रहे हैं, और देश के लिए एकदम गौरवान्वित महसूस करेंगे आप। चलिए देखते हैं नेम ऑफ द पोस्ट, कौन सी पोस्ट निकली है इसमें। तो आपके इसमें जो पोस्ट निकली है उसका नाम है इंडियन नेवी सेलर स्पोर्ट्स कोटा एंट्री। ध्यान रखिए दोस्तों, मैं बता दूं ये स्पोर्ट्स कोटा एंट्री की है, जो 01/2021 के बैच को लेने वाली है। तो आप इसमें देख लेते हैं क्या है इंडियन नेवी के स्पोर्ट्स कोटा एंट्री के अंदर। डिटेल से देखते हैं इसकी एक एक इन्फॉर्मेशन। इंपॉर्टेंट डेट्स, तो इंपॉर्टेंट डेट्स आपके इसमें है लास्ट डेट और रिसीप्ट एप्लीकेशन 7/3/2021, मतलब 7 मार्च को आखिरी तारीख है इसकी एप्लीकेशन की, फिर ये नहीं लेंगे। और इसके बाद में लास्ट डेट फॉर कुछ जो स्टेट है आपके, जैसे नॉर्थ ईस्ट और जम्मू एंड कश्मीर, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप एंड मिनिको आइसलैंड है, ये इन चीजों के लिए इन्होंने 14/3/2021 इन्होंने 7 दिन एक्स्ट्रा रखे हैं, ताकि ये थोड़े दूर पड़ते हैं दिल्ली हेडक्वार्टर से, इसलिए इनको 7 दिन का ज्यादा टाइम मिला है एप्लीकेशन के लिए। चलिए आगे देखते हैं एज लिमिट। तो एज लिमिट आपके लिए इसमें क्या रहने वाली है। एज लिमिट फॉर सीरियल नंबर 1 की जो पोस्ट है आपके, उसको देख लेते हैं उसमें क्या है। 17 से 22, अभी आगे आएगी सीरियल नंबर पोस्ट कौन सी। 17 से 22 ईयर चाहिए कैंडिडेट की। शुड नॉट बी बिटवीन 1/2/2019 से उनका जन्म 31/6/2004 के बीच में हो सकता है। इनके बाहर होगा तो वो इसमें नहीं मान्य होंगे, ये ध्यान रखिए। सीरियल नंबर 2 और 3 देखते हैं इसमें क्या है। 17 से 21 ईयर होना चाहिए कैंडिडेट नॉट बॉर्न फ्रॉम 1/2 and 1/4/2000 से 31/1 और 31/4/2004, मतलब आपके 2000 से 2004 के बीच में नहीं जन्मा होना चाहिए, और आपको महीने और डेट दे फरवरी दे दिया है, और इधर आपके 1 अप्रैल दे दिया है, ठीक है। तो ये दोनों डेट हैं, तो अभी अब मैं इसको और डिटेल में आपको डिस्क्राइब कर दूंगा। ये तो आपके एज लिमिट की बात हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं वैकेंसी की डिटेल, क्या रहने वाला आपके वैकेंसी के अंदर। तो वैकेंसी सीरियल नंबर 1 जैसे मैंने बताया था, ये वैकेंसी आपके डायरेक्ट एंट्री पेटी ऑफिसर की। इसमें 10+2 चाहिए, 12वीं पास दोस्तों, केवल 12वीं पास में आप इसमें लग सकते हो। सेकंड है सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट SSR। इसके अलावा थर्ड है आपके मैट्रिक रिक्रूट MR, जो 10th पास चाहिए, ये इक्विवेलेंट, जो 10th के समकक्ष कोई भी हो तो आप इसमें बढ़ सकते हैं फॉर्म। देखिए 12वीं और 10वीं पास वालों के लिए बड़ा ही अच्छा मौका है। 10th और 12th आपने कर रखी है तो आप नेवी में जा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अब स्पोर्ट्स डिसिप्लिन। अब स्पोर्ट डिसिप्लिन के अंदर ये क्या मांग रहे थे स्पोर्ट्स में, देखिए आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन होना चाहिए, जो जिसने पार्टिसिपेट कर रखा है आपके इंटरनेशनल, जूनियर, सीनियर, नेशनल लेवल चैंपियनशिप के अंदर, या ये सब में या लग रहा है, इनमें से आप कोई भी एक हो सकते हैं, या सीनियर स्टेट चैंपियनशिप में, या ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी की कोई चैंपियनशिप में उसने पार्टिसिपेट कर रखा है, जिसमें वो एथलेटिक हो या एक्वाटिक्स हो, बास्केटबॉल हो, बॉक्सिंग हो, क्रिकेट, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, हैंडबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल, वेटलिफ्टिंग, रेसलिंग, स्क्वैश, फेंसिंग, गोल्फ, टेनिस, कायाकिंग एंड कैनोलिंग, रोविंग, शूटिंग, सेलिंग एंड वाइन सर्फिंग। ये इतने सारे गेम्स हैं जिसमें आपने जो जो मैंने बताया, नेशनल, आपके इंटरनेशनल या स्टेट लेवल या इंटर यूनिवर्सिटी के अंदर भी आपने परफॉर्म कर रखा है, तो भी आप इसमें जा सकते हैं। चलिए आगे मैं इसको और डिटेल में बताता हूँ आपको कैसे रहेगा आपके। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, तो इसमें आपके आ जाता है एलिजिबिलिटी कंडीशन। क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन रहेगी आपको नेवी में जाने के लिए, तो सबसे पहले पेटी ऑफिसर के लिए देख लेते हैं हम। तो 10+2 इसके लिए मांगा, ये स्ट्रीम कोई भी हो सकती है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस कोई भी भर सकता है, जरूरी नहीं साइंस का ही भरे, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, और ये एग्जामिनेशन होना चाहिए। इसके स्पोर्ट प्रेफरेंस ये देंगे टीम गेम्स। आपने कोई टीम गेम खेल रखा हो, वो भी इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट लेवल पे, या जूनियर या सीनियर लेवल में यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रखा हो, है ना, किसी टूर्नामेंट के अंदर। इंडिविजुअल इवेंट भी आपने कोई खेल रखा हो, मिनिमम
इंडिविजुअल में आपको छठी पोजीशन हासिल होनी जरूरी है अगर आपने कोई एक सिंगल वाला गेम खेला है तो, जिसमें आप ही प्लेयर रहे हो, और थर्ड पोजीशन इन नेशनल जूनियर्स, ध्यान रखिए, और थर्ड इन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में भी आपने थर्ड पोजीशन प्राप्त कर रखी हो, तो ये बातें उनके लिए रहेगी। और इनकी एज जैसे मैंने बताई 17 से 22, 1 फरवरी 1999 से 31 जनवरी 2004 के बीच में होनी चाहिए, और दोनों डेटे इसमें शामिल है अगर उसकी ये भी है तो। अब सेकेंड पोस्ट है सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट, 10वीं पास चाहिए, कोई भी स्ट्रीम हो, साइंस कॉमर्स आर्ट्स भर सकता है इसमें, ये इक्वलेंट कोई भी हो 12वीं के वो भी इसमें भर सकता है। स्पोर्ट्स प्रेफरेंसी शुड हैव पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल और नेशनल स्टेट लेवल रिप्रेजेंटेड इन द इन इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट, टूर्नामेंट में उसमें ये जो मैंने 3-4 चीजें बताई इसमें किसी में भी उसने पार्टिसिपेट कर रखा हो, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसमें पोजिशन के लिए कोई नहीं बोला गया कि थर्ड हो या फोर्थ हो, बस आपने पार्टिसिपेट कर रखा हो। 17 से 21 साल वाले इसमें ले सकते हैं, और 1 फरवरी 2000 से 31 जनवरी 2004 के बीच की डेट इसमें शामिल है आपके लिए। थर्ड है आपके मैट्रिक रिक्रूट्स, MR, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, 10th या 10th के इक्वलेंट कोई भी हो तो आपके ये चलेगा। और इसमें स्पोर्ट्स शुड है पार्टिसिपेट है इंटरनेशनल नेशनल स्टेट और लेवल टूर्नामेंट में, किसी भी इसने पार्टिसिपेट कर रखा हो, यहाँ भी कोई आपके इसमें उसकी कोई रैंक वगैरह या पोजीशन नहीं होनी चाहिए। और 17 से 21 साल वाले ले रहे हैं इसमें, इसमें 1 अप्रैल 2000 से 31 मार्च 2004 के बीच की डेटा शामिल है। कैंडिडेट सिलेक्टेड विल बी एनरोल्ड इन लॉजिस्टिक शेफ और लॉजिस्टिक स्टेवर्ड एंड हाइजेनिस्ट, ये इनका तीन कैटेगरी है, इसके अंदर आपको लेंगे लॉजिस्टिक शेफ, लॉजिस्टिक स्टेवर्ड और हाइजेनिस्ट के तौर पर ये शामिल करेंगे इन लोगों को। ठीक है दोस्तों, आप आगे बढ़ते हैं। पे एंड अलाउंस, आपको इसमें कितने रुपए मिलने वाले हैं ये, क्योंकि बड़ी अच्छी गौरवान्वित जॉब है तो एक एडवेंचर जॉब है, तो इसमें आपको इनिशियल पीरियड में एक ट्रेनिंग में एक स्टाइपेंड मिलेगा जो 14,600 रुपए पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा, ट्रेनिंग जो भी होती है 6 महीने साल भर की उसमें। और सक्सेसफुल अगर आपने ट्रेनिंग पास कर ली तो आपको जो थर्ड लेवल पे जो डिफेंस पे मैट्रिक्स है वो 21,700 से 43,700 के बीच में मिलेगी, और इसके अलावा आपके इसमें 5,200 रुपये भी एक्स्ट्रा से ऐड होंगे MSP के हिसाब से, और प्लस DE अलग से मिलेगा, तो अच्छी खासी सैलरी मिलने वाली है दोस्तों आपको इसमें इंडियन नेवी के अंदर। तो आप इस वैकेंसी को और अच्छे से देखें, और अगर आप इसके एलिजिबल है तो इसका फॉर्म भर के जरूर भेजें। चलिए आगे देखते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया। सिलेक्शन क्राइटेरिया, कैंडिडेट वुड बी कॉल्ड अपीयर फॉर द ट्रायल्स डेजिग्नेट नेवल सेंटर, जो भी इसके नेवी के जो सेंटर है वहां पे उनको बुला लिया जाएगा, जो भी इसके लिए एलिजिबल रहेंगे जो अपीयर करेंगे इसको, और कैंडिडेट क्वालिफाइड अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन, जैसे वो क्वालिफाई कर जाएंगे फिर उनको मेडिकल एग्जामिनेशन हमला मुंबई के वहां भेज दिया जाएगा, INS का जो इनका सेंटर है। The offers of enrollment will be forwarded to the selected candidate only. और ये केवल selected candidate होंगे, उनके ही वापस call letter जाएगा। It will be strictly determined a requirement in particular sport discipline and availability of vacancies. Request for change the venue selection trials will not be entertained. Incomplete application will not be accepted. ध्यान रखिए, आप अगर कोई स्थान चेंज करवाना चाहते हैं, मैं वहां नहीं जाना चाहूँ वहां जाना चाहूँ तो ऐसा नहीं होगा, उनको बिल्कुल भी वो एंटरटेन नहीं करेंगे, है ना। और अगर आपने आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन के साथ में एप्लीकेशन भेजी तो आपकी रिजेक्ट हो जाएगी वहाँ पे, तो आपको सही से फॉर्म भर के भेजना है, ध्यान रखेंगे इस बात का। मैं आपको लिंक दे दूंगा जहां से आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए इनका, तो मेडिकल स्टैंडर्ड भी देख लेते हैं एक बार, है ना, क्या क्या होना चाहिए सेलर्स के लिए। कंडक्टेड ऑथोराइज मिलिट्री के जो डॉक्टर्स होंगे इनके, जो मेडिकल स्टैंडर्ड को तय करेंगे, उनके मापदंड पे आप खड़े उतरने चाहिए, 157 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, वेस्ट और चेस्ट इसके अनुपात में होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर चेस्ट आपका फूलना चाहिए। गुड मेंटल और मेडिकल और फिजिकल हेल्थ होनी चाहिए, कोई भी आप बीमारी से आप ग्रसित ना हो और किसी प्रकार की डिसेबिलिटी नहीं हो, ड्यूटीज के दौरान ये चीज नहीं पाई जाए, आप कलर वगैरह आप नहीं पहचान सके, ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। नॉन कार्डियोवास्कुलर डिजीज, कार्डियो वाली डिजीज आपके नहीं होनी चाहिए, सर्जिकल डिफॉर्मिलिटीज लाइक नॉकनी, फ्लैट फीट और इन्फ्लेक्शन इन ईयर्स, नो हिस्ट्री ऑफ फ्लूइड्स ऑफ साइकेट्रिक एलिमेंट, ऐसी आपकी ये कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखेंगे आप। और करेक्टली कोई किसी प्रकार के आप सर्जरी से नहीं गुजरे हो, ठीक है, कि कोई चीज आपने सही करवाई हो। मेडिकल स्टैंडर्ड शुड बी एज पर डिटेल्ड गाइडलाइंस, अगर आपको ज्यादा देखना है तो ISHQ MOD NV इन NOSPL 1 2008 के अंदर मिल जाएगा आपको, जहाँ आप जाके देख सकते हैं इसके सारे स्टैंडर्ड और डिटेल से। कैंडिडेट आर एडवाइज टू गेट देयर ईयर्स क्लीन फॉर वैक्स एंड टेरिटर रिमूव्ड फ्रॉम टीथ प्रायर टू एग्जामिनेशन, है ना, आपको कान और ये दांत, कान वगैरह क्लीन होने चाहिए, और दांत पे जो
जो एग्जामिन होगा तो उससे पहले आपने कुछ लगा रखा है तो वो आपके सही होने चाहिए। ये तो इसके मेडिकल स्टैंडर्ड की बात होगी। आगे देखते हैं हाउ टू अप्लाई, आप अप्लाई कैसे करेंगे इसके लिए। तो अप्लाई के लिए एप्लीकेशन फॉर्म इसके लिए A4 साइज का है, जिसको आपको फॉर्मेट को निकाल लेना है, उसके बाद में आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको ये फॉर्म बता दूंगा, आपको मिल जाएगा इसकी वेबसाइट पर। ओनली वन एप्लीकेशन फॉर्म इज टू बी फॉरवर्ड, एक जना एक ही एप्लीकेशन फॉर्म करे, ऐसे नहीं मैं तीनों ही पोस्टों के लिए भेज दूँ अगर वो हो रहा है तो आपको एक ही भेजना है, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा ये फॉर्म आपको डाउनलोड करना है यहाँ से, इंटरनेट से, www.joinindianarmy.gov.in इस वेबसाइट से आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। एनवेलप आपको एक एंट्री स्पोर्ट्स डिसिप्लिन विद अचीवमेंट इज गोट टू बी क्लीनली रिटन ऑन टॉप, ये आपको एनवेलप के ऊपर लिखना है, स्पोर्ट्स डिसिप्लिन विद अचीवमेंट, है ना, इस बात का ध्यान रखेंगे। टॉप ऑफ द एनवेलप कंटेनिंग टू द एप्लीकेशन एनवेलप शुड बी टू ब्राउन कलर, भूरे रंग का आपका एनवेलप होना चाहिए। एग्जाम्पल आप उस पर ऐसे लिखेंगे, वहां पर जो लिखेंगे AGPO SSR MR NMR 01 2021, जैसे आपने कबड्डी के खिलाड़ी है नेशनल लेवल के, तो आप कबड्डी नेशनल लेवल लिख लेंगे वहां पे। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट मेंशन्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म आर टू बी पंच्ड एंड टाइड फर्मली विद ए स्ट्रॉन्ग थ्रेड टू द एप्लीकेशन, उसके साथ में आपको पंच किए हुए होना चाहिए आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसमें, आपके 10th 12th की मार्कशीट वगैरह सारे, आपके एक्सपीरियंस वगैरह, जो भी आपको सर्टिफिकेट है उसमें आप एक बार मेंशन कर दे फोटोकॉपी के रूप में, है ना, ओरिजिनल जब आप जाए तब साथ ले जाए। और फोटोग्राफ्स आपके कैंडिडेट की सबमिट करनी है, 1 फोटोग्राफ रिसेंट की होनी चाहिए, कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए, ध्यान रखिए आपको एप्लीकेशन के साथ भेजनी है। द बैकग्राउंड ऑफ द फोटोग्राफ शुड बी ब्लू, ब्लू बैकग्राउंड के साथ में आपकी फोटो खींची हुई होनी चाहिए, व्हाइट या रेड नहीं चलेगा, इस बात का ध्यान रखिए। एप्लीकेशन रिसीव्ड विदाउट फोटोग्राफ्स आर नॉट बी स्पेसिफाइड फॉर्मेट विल बी रिजेक्टेड, अगर आपने फोटोग्राफ इसी फॉर्मेट में नहीं भेजी तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ब्लू बैकग्राउंड और रिसेंट की फोटो ध्यान किए, तो आपको फोटो खिंचवाने भी जाना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिए। कंप्यूटर जनरेटेड या डिजिटल फोटोग्राफ आपको एक्सेप्टेड नहीं होगी, कि कंप्यूटर में आपने एडिटिंग करके फिर आपने निकाल ली तो वो मान्य नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखें आप। चलिए आगे देखते हैं, अटेस्टिंग ऑफिसर नेम विद ऑफिस एड्रेस सील शुड नॉट बी क्लियर एंड लाइजेबल, है ना, आपको कोई ऑफिसर की वो डिटेल लिख के वहां पर नहीं भेजनी, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। चलिए फॉरवर्ड द एप्लीकेशन, आप कहाँ पे भेजेंगे ये एप्लीकेशन, आप ये कहाँ पे भेजने वाले हैं, तो इस बात का मैं बता देता हूँ, ये आपको यहाँ पे भेजनी है, द सेक्रेटरी इंडियन नेवी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड 7th फ्लोर चाणक्य भवन इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स MOD नेवी न्यू दिल्ली 110021, इस पते पे आपको भेजनी है जो आप एनवेलप भेजेंगे। लास्ट डेट ऑफ रिसीट एप्लीकेशन 7 मार्च है, और बाकी जो नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट जम्मू एंड कश्मीर अंडमान एंड निकोबार लक्षद्वीप वालों के लिए 14 मार्च है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ये मेन तारीख है, तो आपको इन दो तारीखों का ध्यान रखना है, 7 मार्च और 14 मार्च का। और ये एप्लीकेशन कहाँ भेजनी है ये आपको मैंने एड्रेस ये बता ही दिया आपको। चलिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, The terms and condition given in the advertisement should be changed and may therefore retreated guidelines only. अगर कोई चीजें चेंज होती है तो आपको इसमें बता दिया जाएगा, है ना? और इन केस ऑफ डिफिकल्टी फोर्स बाय पोटेंशियल कैंडिडेट दे में कॉन्टेक्ट, अगर किसी को कोई डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं तो आपको इस नंबर पे कॉल कर लेना है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, बड़ी पसंद आई होगी, और ज्यादा जानकारी आपको चाहिए तो इस वेबसाइट पे आप जा सकते हैं www.joinindiannavy.in, है ना, इस वेबसाइट पे जाके आप सारी इन्फॉर्मेशन और डिटेल से ले सकते हैं। वैसे मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन से बता दी है। चलिए मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, अंत तक आपने देखा तो उसके लिए बहुत धन्यवाद, और इसी तरह आप चैनल के साथ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने